सो हेलो एवरीवन, हेलो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि कल वैलेंटाइन डे है, ठीक है, तो उसी के ऊपर हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है हैप्पी वैलेंटाइन डे। क्या लिखा है? सबसे पहले तो वैलेंटाइन के बारे में समझेंगे। वैलेंटाइन है क्या? वैलेंटाइन का मतलब होता है प्रेमी। क्या होता है? प्रेमी। तो कल इसलिए लिखा है, यहाँ पर लिखा है वैलेंटाइंस डे, इसका मतलब प्रेमियों का दिन। क्या होता है? प्रेमियों का दिन। तो इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर लड़के या लड़कियां एक दूसरे को आपस में बोलते हैं वुड यू लाइक टू बी माय वैलेंटाइन, वुड यू लाइक टू बी माय वैलेंटाइन। तो वैलेंटाइन की हिंदी होती है प्रेमी। क्या होती है? प्रेमी। तो आपको इतना पता चल गया वैलेंटाइंस डे का मतलब क्या होता है, प्रेमियों का जोड़ा, जोड़ा या दिन, यानी वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस डे प्रेमियों का दिन। तो कल है प्रेमियों का दिन, उसी पर हम कुछ प्रेम से रिलेटेड वर्ड मीनिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखा है मैच मेड इन हेवन। मैच मेड इन हेवन। हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, मैच का मतलब होता है मिलाया गया, मेड यानी बनाया गया, इन हेवन स्वर्ग के अंदर। किसमें? स्वर्ग के अंदर। तो ऐसे कपल्स चाहे वो शादी के बाद हो या शादी से पहले, जो कि अच्छे तरीके से रहते हैं, मतलब दे डू नॉट फाइट, दे डू नॉट फाइट, वो लड़ते नहीं है आपस में, बहुत ही अच्छे तरीके उनका रिलेशनशिप है और आप उन्हें देखते हो, तो आप ये बोलोगे दे हैव मैच मेड इन हेवन। क्या बोलोगे? अगर आपका खुद का अच्छा रिलेशनशिप अच्छा है तो आप बोलोगे वी हैव। क्या बोलोगे? वी हैव मैच मेड इन हेवन। तो आप किसी लड़की से मिलते हो तो आप उसे ये बोल सकते हो मैम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आई वुड लाइक टू से समथिंग टू यू। बोले क्या क्या कहना चाहते हो बताओ, ठीक है? सो आप बोलोगे वी हैव मैच मेड इन हेवन। क्या बोल रहे हैं? आप ये यूज कर सकते हो और यूज करनी भी है। क्या करनी है? इंटेंशन बुरी नहीं है तो लाइन बुरी कैसे हो जाएगी, ठीक है? सो वी हैव मैच मेड इन हेवन। आपने लिखा है have the hots for। क्या लिखा है? Have the hots, ठीक है? So अगर अपने लिए बोलना है तो आप बोलो I have। क्या बोलना है? I have the hots और यहाँ पर लगाना है for। क्या लगाना है? For। तो अगर सामने वो लड़की खड़ी है, कोई भी खड़ा है, लड़का खड़ा है, तो आप बोलो I have the hots for you। क्या बोलना है? I have the hots for you। अगर किसी थर्ड पर्सन के लिए बोलना है तो I have the hots for her, I have the hots for him, ठीक है? क्लियर? सो इसका मतलब होता है जब आप किसी से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हो, क्या हो? या बहुत ही वो अट्रैक्टेड है, या आपका किसी की ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है। क्या अट्रैक्शन? तो आप अगर ये बोले मेरा तुम्हारी ओर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन है, तो आप बोलो आई हैव द हॉट्स फॉर यू। क्या बोले? आई हैव द हॉट्स फॉर यू बिकॉज वी हैव मैच मेड इन हेवन, ठीक है? सो आप आगे बढ़ते हैं ऑन द रॉक। क्या? ऑन द रॉक। भाई रिलेशनशिप में ये वर्ड भी आना जरूरी है, ऑन द रॉक। ऑन द रॉक का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, ऐसी रिलेशनशिप जिसमें लड़ाई और झगड़ा हो। क्यों? मतलब लड़ाई की तादाद पे हमेशा लड़ाई लड़ाइयां होती रहती हो, तो आप बोलना वी आर। क्या बोलना है? वी आर। ओके, वी आर ऑन द रोड। क्या बोलना है? वी आर ऑन द रोड। वी आर ऑन द रोड। अगर आपकी रिलेशनशिप में लड़ाई होती है तो आप बोलो एक्चुअली आई कैन नॉट लिव विद यू, आई कैन नॉट लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता बिकॉज वी आर ऑन द रोड। वी आर ऑन द रोड, क्योंकि हमारा आपस में हमेशा झगड़ा ही रहता है, ठीक है? हम नहीं रह सकते भाई आपस में एक साथ, नहीं रह सकते। अगर लेकिन आपका अट्रैक्शन है तो आप ये बोलो आई हैव द हॉट्स फॉर यू। क्या बोलना है? आई हैव द हॉट्स फॉर यू। अगर आप किसी से बहुत प्यार करते हो अपनी लाइफ में तो आप उसे बोलो आई हैव द हॉट्स फॉर यू, ठीक है? और आपका मतलब जो आपका पेयर है, ठीक है, जिससे आपके साथ शादी हुई है या शादी होने वाली है, ठीक है, तो आप उसके लिए बोल सकते हो वी हैव मैच मेड इन हेवन। या आप किसी और को देखते हो जिनकी अच्छी रिलेशनशिप है तो उनके लिए बोल सकते हो दे हैव मैच मेड इन हेवन। अब आगे बढ़ते हैं और आगे वाला वर्ड भी बहुत अच्छा, लवी डवी। क्या लिखा है? लवी डवी। अब लवी डवी क्या होता है? लवी डवी एक ऐसा पेयर होता है, यानी प्रेमियों का जोड़ा, जो कि बाहर पब्लिक में रोमांस करने से घबराता नहीं है, बाहर गले मिलता है आपस में, दे किस टू ईच अदर, दे होल्ड हैंड टू ईच अदर, ठीक है? मतलब डरते नहीं है। क्या नहीं करते? डरते हैं, ठीक है? तो वो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं डरता। ऐसे कपल आप जब देखो जो आप एक दूसरे से पकड़ के चल रहे हैं, बैठे हुए हैं और आप उन्हें देख रहे हो फिर भी पकड़ रखा है, ठीक है? मतलब डर नहीं है। क्या नहीं है? डर नहीं है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं लवी डवी। क्या बोलते हैं? लवी डवी। तो आप अगर आप खुद हो तो आप बोलो आई एम लवी डवी। क्या बोल रहे हैं? अगर आप किसी को देखते हो तो दे आर लवी डवी, दे आर लवी डवी, दे आर लवी डवी। तो अगर आप ऐसे कपल्स को कल देखो तो आपको क्या बोलना है? दे आर लवी डवी। तो आप देखो जाके और आपको बोलना है दे आर लवी डवी, दे आर लवी डवी, ठीक है? अगर आप खुद हो तो आप बोलो आई एम लवी डवी। अभी लिखा है ब्लाइंडेड बाय लव। ब्लाइंडेड बाय लव यानी प्यार से अंधा हो जाना, ठीक है? ब्लाइंडेड बाय लव मतलब क्या? जब आपको अपनी प्यार में मतलब जो भी आप चीजें कर रहे हो वो गलत ही ना लगे आपको। क्या ना लगे? मतलब गलत है फिर भी आपको गलत ना लगे। तो आपको बोलना आई एम ब्लाइंडेड बाय लव, आई एम ब्लाइंडेड बाय लव। सामने वाला है तो यू आर ब्लाइंडेड बाय लव। जैसे अब आपने सपोज दैट मैं ये है इनको किसी लड़की से प्यार है, मुझे पता है बहुत बेकार है लड़की, ठीक है? लेकिन इन्हें पूरी दुनिया एक तरफ, वो एक तरफ, ठीक है भाई? नहीं, ऋतु ऐसी नहीं हो सकती, मान लो ये है, ठीक है? सो फिर मैं बोला भाई
मर्जी है, मर्जी है, मैं बता रहा हूँ आजकल ऐसी लड़के हो रही है, बिकॉज यू आर ब्लाइंडेड बाय लव, यू आर ब्लाइंडेड बाय लव, यू आर ब्लाइंडेड बाय लव। अब हम ना कुछ भी कहे हम लोग, ठीक है बड़ा भाई, अब कुछ भी कहे, ठीक है अब तेरे को समझ नहीं आएगा, ठीक है। सो यू आर ब्लाइंडेड बाय लव, क्योंकि भाई तू प्यार में अंधा हो चुका है, ठीक है। अब ये लिखा है लव रेड, क्या लिखा है लव रेड। अब बाद में पता चलता है कि भाई जो प्रीति है वो तो क्या है, लव रेड है, क्या लव रेड। अब लव रेड का मतलब क्या होता है यार, राहुल तो भाई लव रेड है किसी भी का नाम, ठीक है। तो लव रेड का मतलब होता है चीटर, क्या होता है चीटर, चीटर। तो अगर आपको बोलना भाई आप चीटर हो तो आप क्या बोलोगे, यू आर लव रेड, यू आर लव रेड। अगर आप चीटर हो तो आप बोलो आई एम लव रेड, आई एम लव रेड। अपने लिए भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो अपने लिए, भाई आप खुद भी तो हो सकते हो, ऐसे तो आप खुद भी हो सकते हो। तो प्यार में जो चीटिंग करते हैं उनको बोलते हैं लव रेड, क्या बोलते हैं लव रेड। तो हर तरह के लोग मिलेंगे प्यार में, ठीक है, ब्लाइंडेड बाय लव भी होंगे और फिर लव रेड भी होंगे और लवी डवी भी होंगे, क्या होंगे लवी डवी। ऐसे रिलेशन भी होंगे जिसमें वो जो ऑन द रोड भी होंगे, ऐसे रिलेशन भी होंगे जो मैच मेड इन हेवन भी होगा, और ऐसे लोग भी होंगे जिनका हैव आई हैव द हॉट फॉर हर या फॉर यू, किसी के लिए भी हो सकता है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं, आई हैव अ क्रश ऑन यू, आई हैव अ क्रश ऑन यू। जब आपको किसी से बोलना हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझे तुमसे प्यार है, तो आप बोलो आई हैव अ क्रश ऑन यू, क्या बोलना है आई हैव अ क्रश ऑन यू, आई हैव अ क्रश ऑन यू। अब आगे बढ़ते हैं, किस एंड मेकअप, क्या लिखा है किस एंड मेकअप। इसका मतलब है जब सपोज दैट आपस में लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है लड़ाई होगी, रिलेशन में लड़ाई चल रही है, ये चल रही है, ठीक है आपस में। तो अगर आपको उसे सुलझाना है, एक पार्टनर को उसे सुलझाना है, मान लो लड़की है तो बोलती है ओके लीव लीव फाइटिंग लीव फाइटिंग ओके, किस एंड मेकअप, किस एंड मेकअप, किस एंड मेकअप का मतलब होता है माफी मांगकर झगड़े को सुलझाना, उसको बोलते हैं किस एंड मेकअप, क्या बोलते हैं आपने सुलझाए तो बोलो आई किस्ड एंड मेकअप, आई किस्ड एंड मेकअप, सिंपल ये, ठीक है। तो आप बोलो भाई मैं हमेशा ना मैं ही करता हूँ, ठीक है आई किस एंड मेकअप, ठीक है, पर मैं आप तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, आई कैन नॉट लिव विद यू, आई कैन नॉट लिव विद यू, ठीक है। आप ये लिखा लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट, आपने किसी को देखा और आपको पहली नजर में उससे प्यार हो गया, उससे आपसे नहीं हुआ आपको उससे हो गया, तो उसे बोलते हैं लव एट फर्स्ट साइट, फर्स्ट साइट। सो आप बोल सकते हैं आई लव एट फर्स्ट साइट टू यू, आई लव एट फर्स्ट साइट टू यू, जब मैंने आपको वहां देखा था ना वो, ठीक है झुग्गियों के पास, ठीक है कुछ भी हो सकता है, ठीक है तभी से हो गया था, ठीक है। सो आई लव दैट फर्स्ट साइट, या मैगजीन में देखा था, कहीं भी देखो जहां आप जाते हो। अब लिखा फॉल इन लव, क्या होता है फॉल इन लव, जब आपको किसी से प्यार हो जाए तो आपको ये बोलना है आई फॉल इन लव, क्या बोलना है आई फॉल इन लव टू यू, आई फॉल इन लव टू यू। अब आगे बढ़ते हैं, फॉल इन लव भी हो गया, लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट का मतलब पहली नजर में प्यार हो जाना, एक तरफा प्यार, क्या एक तरफा प्यार, सामने वाले को पता ही नहीं है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और फॉल इन लव का मतलब होता है आप बता रहे हो आई फॉल इन लव, क्या मुझे प्यार हो गया, ठीक है। So, और सामने वाले को भी पता होता है, ठीक है क्लियर। अभी लिखा ब्लाइंड डेट, क्या लिखा ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट का मतलब होता है एक ऐसी डेट जो हम एक कपल के साथ करते हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि वो लड़का या लड़की कौन है, हम आज तक कभी उससे मिले नहीं, मिले ही नहीं, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट, क्या बोलते हैं ब्लाइंड डेट। अगर आपको बोलना है कि भाई मैं ब्लाइंड डेट पे जा रहा हूं, तो आप बोलोगे आई एम गोइंग, आई एम गोइंग ब्लाइंड डेट, आई एम गोइंग ऑन ब्लाइंड डेट, क्या आई एम गोइंग ऑन ब्लाइंड डेट। अभी लिखा मैं कौन, क्या लिखा मैं कौन, ठीक है मैं कौन का मतलब फ्लर्ट, क्या फ्लर्ट करना, भाई ऐसे भी तो लोग हैं जो फ्लर्ट करते हैं, क्या करते हैं फ्लर्ट। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग फ्लर्ट, आप में बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उससे बोलते हैं आई मैं कौन, क्या बोलते हैं आई मैं कौन, भाई मैं तो फ्लर्ट करता हूं बस भाई, ठीक है अपना कोई वो नहीं है ऐसा चक्कर, ठीक है मम्मी बढ़िया तो यार लाइफ है, ठीक है आई मैं कौन, आई मैं कौन। तो अगर आप बोलना चाहते हो मैं फ्लर्ट करता हूं तो आप बोलो आई मैं कौन, अगर कोई और करता है तो यू मुझे देख भी लिया भाई आ रहा है, ठीक है गली का भाई हूँ, ठीक है फिर भी नहीं, फिर भी नहीं छोड़ रहे, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब लिखा है कपकेक, क्या लिखा है कपकेक, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका मतलब है टू रोमांस, टू रोमांस एट होम, एट होम घर पे रोमांस करना एट होम, आप समझ गए होंगे। सो आई हैव कपकेक, आई हैव कपकेक, कपकेक अगर आपने किया तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होगी हैड, आई हैड कपकेक, आई हैड कपकेक। आगे बढ़ने क्यों पढ़ाई जा रही है, सपोज दैट आपके सामने आपको कोई बोल दे और आपको समझ ही ना आए कि भाई कब केक कर रहे हैं, केक होगा कोई खाने का, ठीक है कब का इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है या कोई आपकी सिस्टर को बोल रहा हो आप समझ ही ना पाओ, उसी उन्हें बोल दे ले देख ले पढ़ ले मैसेज, ठीक है उसने लिखा आई कप, ओके आई हैव कप केक, आई हैव कप, क्या समझ राहुल ऐसे, ठीक है। अभी लिखा ट्रॉफी वाइफ, क्या लिखा है ट्रॉफी वाइफ, ट्रॉफी वाइफ हर कोई चाहता है भाई, ट्रॉफी वाइफ होना मतलब हर कोई चाहता है, चाहे वो खुद मिस्टर राइट ना हो लेकिन चाहिए ट्रॉफी वाइफ, ठीक है चाहे खुद कैसा भी हो, क्या
खुद कैसे है, लेकिन हर किसी का ड्रीम है ट्रॉफी कैटरीना मिल जाए, क्या मिल जाए, ठीक है। सो ट्रॉफी वाइफ को बोलते हैं अट्रैक्टिव लेडी, अट्रैक्टिव लेडी लेडी यानी ब्यूटीफुल, क्या बहुत ज्यादा खूबसूरत, आपके साथ साथ गली के चार पांच लड़के भी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसी लेडी जो शादीशुदा, क्या शादीशुदा, इसलिए वाइफ नहीं कहा, क्या भाभी ट्रॉफी वाइफ। तो अगर आप बोलना चाहते हो कि आप भाई मेरी ट्रॉफी वाइफ बनना चाहोगे, सो वुड यू लाइक टू बी माय ट्रॉफी वाइफ, वुड यू लाइक टू बी माय ट्रॉफी वाइफ, आप ये लिखा मिस्टर राइट। मिस्टर राइट का मतलब होता है ऐसा लड़का, ऐसा लड़का जो बहुत अच्छा हो, अच्छी जॉब करता हो, अच्छा कमाता हो, जिसका नाम हो, मतलब अच्छी चीज हो, मतलब बिहेवियर अच्छा हो, तो उसे बोलते हैं मिस्टर राइट। क्या बोलते हैं मिस्टर राइट, मतलब मिस्टर राइट ऐसा लड़का हो गया जो कम से कम 30-40 हजार नहीं यार 30-40 हजार कमाता हो, ठीक है, अच्छा बिहेवियर हो, क्या लव राइट ना हो, तो वो क्या होता है मिस्टर राइट। अपने साथ साथ उस इंसान के फ्यूचर के बारे में भी सोचता है जिससे वो प्यार करता है, तो उसे बोलते हैं मिस्टर राइट। क्या बोलते हैं मिस्टर राइट। सो आई एम योर मिस्टर राइट, वुड यू लाइक टू बी माय ट्रॉफी वाइफ, पर जाके कल बोल दो ये लाइन, ठीक है, इंप्रेस करने वाले हैं। आई एम योर मिस्टर राइट, क्या बोल रहे हैं, आई एम योर मिस्टर राइट, आई एम योर मिस्टर राइट, वुड यू लाइक टू बी माय ट्रॉफी वाइफ, वुड यू लाइक टू बी माय ट्रॉफी वाइफ। अब आगे बढ़ते हैं, बी हैड ओवर हिज, बी हैड ओवर हिज। अब अगर आप, तो आपको बोल रहा है आई एम, ओके आई एम हैड, नहीं नहीं नहीं, ओके बोलो आई हैव, आई हैव हैड over your heels, your heels, I have had, I have had over over your heels, your heels, heels लड़कियां पहनती है, ठीक है, heels, ठीक है, clear, yeah I have had over heels, I have had, I have had over heels, I have had over heels, या आप ये भी बोल सकते हो I have had over your heels। इसका मतलब है कि जिस इंसान के बिगर आप रह नहीं सकते एक पल भी, एक पल भी, तो अगर आपको जताना है कि भाई मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो आप ऐसे बोलो I am had over your heels, यानी आप इतने मतलब हो, क्या मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, उसके मतलब उसकी जूतियों पर अपना सर रख दिया, क्या रख दिया सर, had had इतना, वो कुछ भी कह रही है, वो बोल रही है तुम बेकार हो, गाली गलौज कर रही, ठीक है, बोल रही नहीं रहना, ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो, मतलब ऐसा हील्स का मतलब यहाँ पर ये है, मतलब बिना रहने से, मतलब गिर जाना बिल्कुल, ठीक है, इतना दर्द, क्या रो रहे हो आप, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा कि उसके बिना नहीं रह सकते, और वो मना कर रही है, क्या कर रही है, मना, तो आप बोल रहे हो प्लीज आई एम हैड ओवर हिज, आई एम हैड ओवर योर हिज, आई एम हैड ओवर, आई एम हैड ओवर योर हिज, ठीक है, तो आपको ऐसा तो नहीं है ना भाई, कोई तो इतना प्यार हो किसी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल बस लवी डबी है और लव राइट है, क्या लव राइट, और फिर कब मैं कौन, तो हर कहीं चल रही है, ठीक है, फिर यहाँ से जाके मैं कौन, वहां पर कब के कर लिया, फिर बाहर जाके मैं कौन चल रहा है, ठीक है, क्लियर। अब लास्ट वर्ड है, ये लव वर्ड्स, क्या लिखा है लव वर्ड्स, अब लव वर्ड्स का मतलब होता है प्रेमी जोड़ा, क्या होता है प्रेमी जोड़ा, ठीक है, लव वर्ड्स, तो कल आपको लव वर्ड्स बहुत मिलेंगे। अब कहाँ ज्यादा ढूंढने हैं, ठीक है, ढूंढना है वो भी जगह बता देता हूँ, ठीक है, बहुत है, इससे भी अच्छी जगह है, ठीक है, इतने पास में जा रहे हो आप, थोड़ा दूर चले जाओ घूमने, ठीक है, आप ओल्ड फोर्ट चले जाए, क्या चले जाए, ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, क्या मैं फर्स्ट टाइम वहां पर गया कुछ हिस्टोरिकल नॉलेज लेने, ठीक है, पर जाकर कुछ और ही दिखा कि भाई ये हिस्टोरिकल के लिए बिल्कुल नहीं बना, क्या नहीं बना, बिल्कुल नहीं बना, ठीक है, ये बस हमारे लिए बना ही है। तो वहां पर मिलते हैं लव बर्ड्स, क्या मिलते हैं लव बर्ड्स, लेकिन वो लव बर्ड्स जरूर होते हैं, ठीक है, वो लवी डबी भी होते हैं, क्या होते हैं लवी डबी, वो शर्माते ही नहीं है वहां पर, कोई उन्हें देख रहा हो, चाहे आप खड़े हो रहे वहां देखते रहो, शर्माएंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन बाद में उन लड़के या लड़कियों को पता चलता है भाई ये तो लव राइट थे, क्या थे लव राइट थे, ठीक है। तो अब मैंने आपको इतने सारे वर्ड सिखाए जो आप कल यूज कर सकते हैं, हाँ, अब जरूरी नहीं है कि वर्ड जैसे कि वी हैव मैच मेड इन हेवन आप किसी लड़की के लिए यूज करो, आप अपनी मदर के लिए भी यूज कर सकते हो कि मॉम आप और मेरा जो मतलब रिलेशन है बनाया गया हेवन के अंदर, बहुत अच्छा है, क्या मॉम के लिए भी बोल सकते हो, और बोलना भी चाहिए, क्या भाई आप इंग्लिश सीख रहे हो तो एक लाइन आपने अपनी मम्मी को बोली, अपनी सिस्टर को बोली, क्या बोली सिस्टर वी हैव मैच मेड इन हेवन, दिस इज अ डिफरेंट लाइन, और आप बोलते हो, सो यू आर रियली द इंग्लिश स्पीकर, आप सीख जाओगे, ठीक है, क्लियर। और झगड़ा हो रहा है सो ऑन द रो, क्या ऑन द रो, ठीक है, हाँ, ये आई हैव द हॉट फॉर यू, ये मॉम के लिए नहीं है, सिस्टर के लिए नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये तो ट्रॉफी वाइफ के लिए हुआ, क्या हुआ पापा के लिए हुआ, ठीक है, फिर तो आपको गलत समझ लेंगे लोग बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कैसे हो रहे हो आप, ठीक है। सो अब हमने क्या क्या पढ़ा है, मैच मेड इन हेवन, हैव द हॉट फॉर यू ऑन द रॉक, लवी डवी, ब्लाइंडेड बाय लव, लव राइट, हैव अ क्रश ऑन किसी से, मेड अप लव राइट, फॉल इन लव, ब्लाइंडेड, मैक ऑन क
cupcake, trophy wife, Mr. Right, being at our heels and lovebird. So I hope आपने enjoyed किया होगा, ठीक है? आप सभी बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी write down करें, okay? और जो पढ़ रहे हैं, वो भी write down करें. Thank you for watching this video.